अरे भाई ये हेलीकॉप्टर कौन लेके आ गया? लगता है प्रधानमंत्री आ गए हैं। ए चटनी! हाँ मम्मी। अरे अरे वाह, मेरी मम्मी हेलीकॉप्टर चुरा करके लाई है किसी का। अरे वाह मजा आ गया। अपने बाप को फंसा दे जल्दी। हाँ हाँ मम्मी, क्यों नहीं, जरूर फंसाता हूँ। अरे अरे ये मैं कहाँ घूम रहा हूँ, लगता है सस्ती बाधा हूँ। अरे बचाओ मुझे। अरे नहीं मैं घूम नहीं रहा हूँ, ऊपर उठ रहा। पिछले साल तो ससुर दारू पी के नाली में लौटे थे। बस बहुत हुआ, जिंदगी में परिवर्तन बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इस करवा चौथ पर दारू पी के नाले में कूदूंगा। ए नाले मेरी जान, आई लव यू। ए मुझे स्वीकार कर गले लगा। ए चटनी, देख तेरा बाप सुबह से कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बुला करके लेके आया? और करवा चौथ को दारू पी के पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ा रहता है, और मैं यहाँ पर 5 किलो सब खराब हो जाएगा, जल्दी जा। मम्मी यार, हम पिछले साल तो नाली से उठा के लेके आए थे, आप लोगों का यही लगा रहता है। पूजा तुम्हें करनी है यार, तुम ढूंढ के लाओ, हम नहीं ला पाएंगे, पूरे मोहल्ले में बेइज्जती होती है, नाली से निकाल के लाए थे पिछले साल। चुप, मम्मी से जवान लड़ता है, वो चाटे मारूंगी सारे दांत टूट के नीचे गिर पड़ेंगे, फिर ठूसना बैठ करके। चल निकल घर से जल्दी और अपने बाप को ढूंढ के ला। अरे यार ये पापा को ढूंढना समझो बिना पटी लड़की ढूंढने के बराबर है, मेरा बाप पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। और तुम्हें नहीं पता जी देसी पौए का नशा करता हूँ, नए नए नालों को चुमा करता हूँ, मेरा पापा पता नहीं जी कौन कौन सी नालियों में पड़ा रहता है, और करवा चौथ की रात को मेरी मम्मी से दगा करता है। हे ब्रो। यस ब्रो। यार मेरा सुबह से बाप नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहीं दारू पीकर पड़ा हुआ है। अगर तुमने कोई सरप्पा या स्नेकिया देखा हो जो रोड पे झूमता हुआ मिला हो तुम्हें यार, तो हमें बता दो। यार भाई हमारी मम्मी खुद ना ही मिल रही है, हम सुबह से ढूंढ रहे हैं, वो भी कई दारू पी कर निकल जाती है हर करवा चौथ को, और मेरा बाप सुबह से भूखा प्यासा बैठा बैठा उनकी याद में रोता रहता है, और वो लौट के आती ही नहीं है। अपनी मम्मी को ढूंढने निकला हूँ यार, अगर तुम्हें कोई औरत चुड़ैल बनी घूम रही हो सड़कों पर देखी हो तुमने तो यार हमें बता दे। अरे यार तुम्हारी मम्मी और मेरे पापा की केमिस्ट्री बहुत मैच कर रही है, ऐसा करते हैं ब्रो मम्मी पापा चेंज कर लेते हैं, सारा कलेश ही खत्म हो जाएगा जिंदगी का। मैं शराबी तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, मगर पीता हूँ गम बढ़ाने के लिए। मेरे गम इतने कम है ससुर की मजा नहीं आता, जब तक गम बड़े नहीं हो तब तक पीने का क्या फर्क। तुझे पता है मैं तुझे क्यों पीती हूँ? मैं अभी बता रही। मैं नहीं बताऊंगी, अगर मैंने बता दिया तो तू मेरे अंदर कैसे जाएगी, कैसे जाएगी? ना 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 ना, मैं नहीं बताऊंगी। जाबे ओए उड़ जाएगी ओए, घूम रही है दारू पी के ओए। ससुरा दारू पी के गाड़ी चलाता है आराम को, तुझे ये विश्व सुंदरी रोड पर चलती हुई नहीं दिख रही क्या? ओए तू दारू की बात कर रही है, मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया, मेरा करवा चौथ का फास्ट है। बच गई, अभी कट जाती गाड़ी से। ये ससुरा किसके इतनी औकात बढ़ गई जो मेरे इलाके में घुस गया? सुअर की औलाद इलाके कुत्तों के होते हैं। हम किसी कुत्ते से कम है क्या? हेलो। हाँ मिले तुम्हारे पापा तुम्हें? अरे नहीं मम्मी यार, अभी टाइम लगेगा, तुम थोड़ा इंतजार करो। बेटा तू बस एक काम कर, उसे ले आ एक बार घर पे, इतना मारूंगी ना कि वो बाहर जाना ही भूल जाएगा, बस तू एक बार ले आ। अरे अरे बोल जाएगा मेरी मम्मी पर ही। अरे मेरी मम्मी मिल गई, मजा आ गया। अरे वाह, लेकिन ये दूसरा मानव कौन है इनके पास, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, यही मारूंगा गिरा गिरा के। हट हट, अबे मारने की बात मत करिए, वो मेरे पापा जी हैं, मैं तुझे यहाँ पर भूत बना दूंगा। तेरा पापा है, फिर ये मेरी मम्मी के पीछे क्यों पड़ा है? अपने बाप को सुधार। ओए हट, मेरा पापा बहुत हैंडसम है, जरूर तेरी मम्मी उसके पीछे पड़ी होंगी। पापा ओए चलो बे, मम्मी बुला रही है, इंतजार कर रहे।
रही है तुम्हारा करवा चौथ का पूजा करने के लिए, जल्दी आओ। ओए ओए मम्मी, पापा इंतजार कर रहे हैं यार, तुम ये दारू पी के पड़ी हो यार। क्या यार, हर साल का तुम्हारा यही माजरा रहता है। मैं नहीं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। मैं कौन सा इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा? फिर ये लौंडे किसका चिल्ला रहे हैं कि पापा इंतजार कर रहे हैं? मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं कन्याकुमारी हूँ। अबे मेरी मम्मी मुझे भूल गई, ऐसे कैसे हो सकता है? ठंड रख भाई, पौवे का असर है, मेरा बाप भी तो मुझे भूल गया है। ओए पापा जी, मम्मी डंडा लेकर के आ रही है तुम्हें मारने के लिए, जल्दी घर निकल लो वरना यही हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे आंटी जी के सामने, बेइज्जती हो जाएगी, हमें नहीं पता, फिर पड़े रहना रोते रोते। ओए मूर्ख, पापा किसको बोलता है? आए, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं लंगूर कुमार हूँ। लंगूर कुमार? जब तू कन्याकुमारी हो सकती है तो मैं लंगूर कुमार क्यों नहीं हो सकता? क्या करें यार, मेरा बाप ऐसे नहीं जाने वाला, पिछली बार तो रिक्शे में बांध के लेके गया था, इस बार तो रिक्शे में भी नहीं बांध सकता, साला नाले में पड़ा हुआ है। ब्रो कुछ कर यार, मैं भी तेरा आइडिया कॉपी कर लूंगा, क्योंकि मेरी मम्मी भी पहली बार नाले में पड़ी है। रुको यार, मम्मी को फोन करते हैं। हेलो, हाँ मम्मी, यार पापा तो मिल गए हैं, नाले में पड़े हुए हैं, पिछली बार नाली में पड़े थे तो निकाल लिए थे आराम से, इस बार तो हद हो गई है। एक काम कर, मेरी बात करवा अपने बाप से। अरे मम्मी यार, हम बात कैसे कराएं, हम पुल के ऊपर खड़े हैं, वो नीचे नाले में पड़े हुए हैं, किसी आंटी के साथ दारू पी रहे हैं। ओए लंगूर का अंगूर, आंटी किसको बोलता है? कन्याकुमारी हूँ मैं। चटनी, कौन है ये औरत? जरूर इसके ऑफिस की कोई बंदी होगी, पता लगा ये औरत कौन है। हे ब्रो, तुम्हारी मम्मी क्या काम करती है? हमारी मम्मी काम नाम कुछ नहीं करती है, उनका ब्यूटी पार्लर है, दुल्हन के साथ दुल्हन की छोटी बहन का मेकअप फ्री वाला। अरे वाह, फिर तो ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड की बड़ी बहन की शादी है, मैं उन दोनों का तुम्हारे यहाँ सेंड कर दूंगा, तुम छोटी वाली का फ्री में करा देना यार, वरना मेरे पे 5-10 हज़ार रुपए की चिपेगी। हाँ भाई जरूर, क्यों नहीं। ए चटनी। हाँ मम्मी। देखे आपने बाप को फोन, जल्दी नहीं दे पा रहा है तो फोन फेंक दे, दूसरा दिलवा दूंगी। रिस्क है तभी तो इश्क है, भूल गया क्या? अरे यार रिस्क जाए बाढ़ में, यहाँ हमारे रिस्क की लगका लग जाएगी अगर फोन फेंक दिया तो। इकलौता फोन है, हमें नहीं पता दूसरा दिलाना, वरना हम अपनी बाली से कैसे बतियाएंगे। अरे वाह, एक पौवा फिर से ऊपर से गिर पड़ा, वाह। पौवा नहीं आया है, तुम्हारी सास आई है, फोन कान में लगा, मुंह से निकाल, बदबू आ रही है। पौवा बोलता है क्या? आंटी कौन? कौन? अरे तेरी बीवी बोल रही हो, इतनी क्यों पीता है तू? फालतू में ही तुझसे लव मैरिज की, सरकारी लौंडा छोड़ के। देखिए मैं कन्याकुमारी हूँ, सॉरी लंगूर कुमार हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, ये रॉन्ग नंबर है, प्लीज फोन काट दीजिए। हाँ हाँ, तू रॉन्ग नंबर ही है, गलती से आ गया मेरी जिंदगी में, गलती से। आओ जरा तुम घर, तुम्हारा सही नंबर निकालते हैं। देखे आपको गलत फहमी हो रही है, मेरा आज से यही घर है, ये मखमल जैसी कीचड़ मेरे तन बदन को सुख प्रदान कर रही है और मन को आनंदित कर रही है। मेरा भी घर यही है। सब कुछ छोड़ तू, ये बताइए औरत कौन बोल रही है पीछे, कहीं तू उसके साथ करवा चौथ नहीं मना रहा है? देखे मैं आपको क्यों बताऊं कि वो औरत कौन, आप मेरी कौन लगती है? रुक, तू अभी आती हूँ हवाई जहाज लेकर, फिर बताती हूँ मैं तेरी कौन लगती हूँ। ज्यादा पी रही है ना, अभी रुक तू। अरे भाई ये हेलीकॉप्टर कौन लेके आ गया, लगता है प्रधानमंत्री आ गए हैं। हाँ मम्मी। अरे अरे वाह, मेरी मम्मी हेलीकॉप्टर चुरा करके लाई है किसी का, अरे वाह मजा आ गया। अपने बाप को फंसा दे जल्दी। हाँ हाँ मम्मी, क्यों नहीं, जरूर फंसाता हूँ। अरे अरे ये मैं कहाँ घूम रहा हूँ, लगता है सस्ती बाली पी ली है मैंने। अरे अरे नहीं, मैं घूम नहीं रहा हूँ, मैं ऊपर उठ रहा हूँ, अरे बचाओ मुझे, अरे मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। ए मिस्टर सुंडी, ए क्या देख रही है, अरे बचा ले। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, हर साल दारू पी कर नाली में गिरते हो। चलो कोई नहीं, लेकिन इस बार नाले में लौट के आए हो, आदमियों के सुअर।
देखिए मोटरमा, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता हूँ, क्या मुझे जाने दीजिए। मेरा मखमल का गड्ढा मेरा इंतजार कर रहा है। बकवास बंद और मुंडे सीधे रहो। मुझे चक्कर आ रहे हैं, तूने इतना घुमा दिया मेरा तन बदन। ये देखो फिर से झुका लिया सर, सीधा नहीं रख पा रहे हो। ए टटनी, अपने बाप का सर पकड़ा करके पता नहीं इतनी क्यों पी लेता हूँ मैं। अभी तो भूल गए थे हमको, अब कैसे याद आ गए हम चटनी है तुम्हारे लल्ला है। बफाना राजाई, मुझे तेरी याद आई, मैंने पी के दारू नाले में ऐसी लोट लगाई। बफाना राजाई, तेरी मम्मी मुझे टांग के लाई। तुम गर्दन सीधी रख रहे हो नहीं? अरे यार, मेरी पीने के बाद गर्दन सीधी नहीं रहती। अब आएगा मजा, मैं लेकर जा रही हूँ इस कुत्ते को यहाँ से। अरे मम्मी यार, तुम भी परेशान हो जाती हो और हम भी परेशान हो जाते हैं। ऐसा करते हैं, दूसरा पापा ले आते हैं। ये वाला पापा बहुत भगाता है। क्या कहा? रुक अभी तुझे बताती हूँ। अरे नहीं, ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए BSR माहौर को सब्सक्राइब करें।